हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट वन। आज हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि हमारे अगस्त मंथ के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट थ्री वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट पार्ट हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। ये वीडियो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट सिक्स मंथ का करंट अफेयर्स वीडियो, यानी कि हमारा जनवरी से जून तक का लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हमारा लास्ट सिक्स मंथ का करंट अफेयर्स, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वीडियो। और अगर आपने लास्ट सिक्स मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, यानी कि जनवरी से जून तक का हमारा लास्ट सिक्स मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो, तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, लास्ट सिक्स मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि ये सभी बैंक एग्जाम्स में लास्ट सिक्स मंथ के बैंकिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। ये वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी बैंक एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि देश में, हमारे देश में ऐसा कौन सा पहला बैंक बन गया है जिसने 1 करोड़ फास्टैग जारी किए हैं। यानी कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन बोले तो देश का पहला सबसे ज्यादा फास्टैग जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। कौन सा हो जाएगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन में अमाउंट अगर पूछा जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला। डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने फास्टैग जारी किए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने, तो किए हैं 1 करोड़। और पहला बैंक कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा फास्टैग जारी किए हैं? वो भी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अमाउंट पूछा जाए तो वो भी सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़। बैंक पूछा जाए तो वो आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओवर 3.47 करोड़ फास्टैग वर इशूड बाय ऑल बैंक टूगेदर टिल द एंड ऑफ जून 2021। तो यानी कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और एनपीसीआई के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों के द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। तो सभी बैंकों ने मिलकर किए हैं 3.47, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कितना है? 1 करोड़। तो देश का पहला बैंक बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक जिसने सबसे ज्यादा फास्टैग जारी किए हैं, और कितने किए हैं? 1 करोड़ किए हैं। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन याद रखना है, इसलिए जो कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है क्वेश्चन में उसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर पढ़ें, क्योंकि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अदर बैंक्स ने जून 2021 तक कितने कितने फास्टैग जारी किए हैं। तो अदर जो बैंक है, जो सभी अदर बैंक है, उन्होंने किए हैं 3.47 करोड़ कब तक किए हैं? जून 2021 तक। तो इसलिए कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नाउ हैज क्लोज टू 28% शेयर एज फास्टैग इश्यूअर बैंक। इन द लास्ट सिक्स मंथ अलोन पीपीबीएल हैज इक्विप्ड ओवर 40 लाख कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल विद फास्टैग। यानी कि
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में 28% की हिस्सेदारी है और पिछले 6 महीनों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक PPBL उसका शॉर्ट में है, इन्होंने 40 लाख से अधिक कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के फास्टैग से लेस किया है। किसने? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके इन पॉइंट्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है उससे भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बैंक के उनमें पूछे गए हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कंटेंट भी, जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़िए, कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं और जरूर आएंगे भी जो आगे बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड दिस पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज ऑल्सो इंडिया लार्जेस्ट एक्वायरर टू टोल प्लाजा फॉर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC प्रोग्राम ऑफरिंग एंड इंटरपरेबल नेशन वाइड टोल पेमेंट सॉल्यूशन। यानी कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संग्रह यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण करता भी है जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और फाउंडर और सीईओ है विजय शेखर शर्मा, फाउंडेड इन 2009। इम्पोर्टेंट है ये जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ बैंक के जो MD CEO हैं और हेडक्वार्टर्स हैं ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, अगर आपको पढ़ना है देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसमें MD CEO टैगलाइन सभी बैंकों के अवेलेबल है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर है या फिर रीजनल रूरल है, कोई भी बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोन्स डिसबर्समेंट टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट अंडर द PM मुद्रा योजना फॉर 21-22। यानी कि 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत सरकार के द्वारा निर्धारित जो ऋण है, जो ऋण वितरण किया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है सरकार के द्वारा। तो उस जो ऋण वितरण है, जो लोन जो प्रोवाइड करा जाएगा, उस लोन का क्या लक्ष्य है, उसका लक्ष्य कितना हो जाएगा? ₹3 trillion। क्या सही आंसर हो जाएगा? ₹3 trillion। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण, जो ऋण वितरण किया जाता है उसका लक्ष्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द लोन डिसबर्समेंट टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट अंडर द PM मुद्रा योजना फॉर 21-22। तो कितना है? ₹3 trillion। द गवर्नमेंट हैज सेट द लोन डिसबर्समेंट टारगेट अंडर द PM मुद्रा योजना एट ₹3 trillion फॉर 21-22। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 दिस टारगेट इज लोअर देन द प्रीवियस ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। द टारगेट वॉज सेट एट ₹3.21 trillion। एक्सपर्ट एट्रीब्यूट द लोअर टारगेट टू इंक्रीज्ड एलोकेशन अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस। यानी कि सरकार ने 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण वितरण लक्ष्य 3 trillion rupees निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लक्ष्य 3.21 trillion rupees निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञ छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बढ़े हुए आवंटन के लिए कम लक्ष्य को श्रेय देते हैं। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 3 trillion rupees निर्धारित किया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2022 फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022 के लिए। जो ऋण वितरण लक्ष्य है वो है 3 trillion rupees और पिछले वर्ष 2021 की जो तुलना की गई है उसके लक्ष्य 3.21 trillion rupees निर्धारित किया गया था और अभी कितना किया गया है? 3 trillion। ठीक है, नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर PMMY क्रेडिट अप टू ₹10 lakh इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग फॉर न्यू एंटरप्राइजेस इन सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर। यानी कि
पीएमवाई यानी कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके तहत बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यमशील गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और इसके विनिर्माण व्यापार सेवाओं और कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूर से इसे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 25 जून तक 3,804 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स एनुअल टारगेट्स फॉर सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स अंडर द स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2022 लोन्स वर्थ रुपीज 3,804 करोड़ हैज बीन सैंक्शन्ड बाय 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ जून 25। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 25 जून तक 3,804 करोड़ रुपए के जो लोन है वो स्वीकृत किए गए हैं। इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है ये, कितने तक के लोन स्वीकृत किए गए हैं, 3,804 करोड़ रुपए। तो ये पॉइंट जरूर पढ़ने हैं, मैं एक बार फिर बोलती हूँ, इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आते हैं ये पॉइंट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ कंटेंट इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IPO बाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो LIC के IPO के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है मिनी IPO। कौन है मिनी IPO इज द राइट आंसर। मिनी IPO टुक चार्ज एज MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। IPO इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड जॉइन LIC इन 1986 एज अ डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर। सी हैज अ डाइवर्स एक्सपीरियंस इन LIC हैविंग वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज। तो जो मिनी IPO है उन्होंने LIC के MD के रूप में कार्यभार संभाला है और मिनी IPO जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है इन कॉमर्स और 1986 में वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में LIC में शामिल हुई थी। उन्हें LIC में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का अनुभव भी है। ये है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मिनी IPO जो LIC की नई MD है। किसकी? LIC IPO की नई MD है मिनी IPO। LIC की बात कर लेते हैं तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956 और चेयरमैन कौन है LIC के? MR कुमार चेयरमैन है LIC के। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से इनको पढ़ना है कि LIC के रिगार्डिंग हेडक्वार्टर चेयरमैन इन फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956। और ये जो मैंने आपको वीडियो में सेकंड इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके, क्योंकि सारे कंटेंट में यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती, आप उस कंटेंट को जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन एम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक, यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक को RBI द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए किस बैंक को सूचीबद्ध किया है, क्या सही आंसर हो जाएगा? इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। द इंडसइंड बैंक हैज बीन एम्पैनल्ड बाय द RBI टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक। एज एन एजेंसी बैंक इंडसइंड बिकम एलिजिबल टू कैरी आउट ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट लेड बिजनेसेस, यानी कि इंडसइंड बैंक को RBI द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और एक एजेंसी बैंक के रूप में इंडसइंड सरकार के नेतृत्व वाले सभी प्रकार के व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के लिए पात्र हो जाता है। तो ये एजेंसी बैंक का डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, ये मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है कि एजेंसी बैंक में के लिए जो कोई भी बैंक है वो किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो एजेंसी बैंक एज एन
एजेंसी बैंक, कोई भी बैंक, इंडसइंड बैंक बिकम एलिजिबल टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट लेड बिजनेसेस। यानी कि जो इंडसइंड बैंक है वो एजेंसी बैंक के रूप में सरकार की नेतृत्व वाली सभी प्रकार के व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के लिए पात्र हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइंस दैट अथॉरिटीज शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एजेंसी बैंक्स ऑफ द रेगुलेटर फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। तो आरबीआई के दिशा निर्देश पर आधारित जो सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को नियामक के एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर बोलती हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। तो द इंडसइंड बैंक सीईओ कौन है, सुमन कटपालिया, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और इंडसइंड बैंक ओनर है हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप जो है वो इंडसइंड बैंक का ओनर है। और फाउंडर कौन है, एसपी हिंदुजा, फाउंडेड इन अप्रैल 1994 इन मुंबई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द इंडसइंड बैंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आ सकता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी स्टैटिक बैंकिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाउंडर कौन है, वो है एचपी हिंदुजा, ओनर है हिंदुजा ग्रुप और फाउंडेड इन अप्रैल 1994 इन मुंबई, सीईओ है सुमन कृपालिया, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द इंडसइंड बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड जनरल एलोकेशन फंड हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द आईएमएफ इन एसडीआर फॉर्म टू हेल्प इट्स मेंबर कंट्रीज डील विद पेंडेमिक क्राइसिस। तो आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए एसडीआर के रूप में रिकॉर्ड सामान्य आवंटन निधि कितनी राशि स्वीकृत की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आईएमएफ ने जो अपने सदस्य यानी मेंबर कंट्रीज हैं उनको महामारी संकट से निपटने में मदद के लिए एसडीआर के रूप में रिकॉर्ड जो सामान्य आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृत की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है, टोटल कितना अमाउंट किया गया है, वो किया गया है 650 बिलियन डॉलर। कितना, 650 बिलियन डॉलर, सही आंसर हो जाएगा। तो द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ तो सभी को फुल फॉर्म पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, has approved a record general allocation of 650 billion in IMF special drawing rights, यानी कि SDR, to help boost global liquidity. SDR का full form क्या है? Special drawing rights. तो IMF के board of governors ने global liquidity को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR में 650 बिलियन के रिकॉर्ड सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है। अमाउंट कितना दिया है, 650 बिलियन डॉलर। तो IMF ने SDR, क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि अपने मेंबर कंट्रीज को महामारी संकट से निपटने मदद करने के लिए SDR के रूप में 650 बिलियन डॉलर की राशि स्वीकृत की गई है। और SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म किसी भी वर्ड का, तो वो हो जाएगा SDR का स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और अमाउंट कितना है, 650 बिलियन डॉलर। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 650 बिलियन डॉलर SDR एलोकेशन एम्स टू सपोर्ट मेंबर कंट्रीज स्पेशली इमर्जिंग एंड डेवलपिंग नेशंस बैटलिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड द इकोनॉमिक डाउनटर्न इट हैज कॉस्ट। तो IMF ने जो 650 बिलियन डॉलर SDR आवंटन का उद्देश्य सदस्य देशों विशेष रूप से इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज का समर्थन करना है जो कोरोना वायरस पैंडेमिक और उसके कारण हुई आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या है, ये भी आपको इस पॉइंट में मेंशन कराया गया है।
और अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिया है, इसको आप जरूर पढ़ें वीडियो को पॉज करके। बात कर लेते हैं IMF की। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में, और IMF के MD एंड चेयरमैन कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, जो हमारे देश भारत से है। इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द IMF ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू एंड एनहेंस्ड फीचर्स लॉन्च्ड बाय SBI फॉर इट्स योनो एंड योनो लाइट प्लेटफॉर्म। तो SBI द्वारा अपने योनो और योनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और उन्नत सुविधा का नाम बताइए। तो SBI ने जो अपने योनो और योनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की है, वो फैसिलिटी, वो उन्नत सुविधा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है सिम बाइंडिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, सिम बाइंडिंग इज द राइट आंसर। इंडिया लार्जेस्ट लेंडर SBI हैज लॉन्च्ड ए न्यू एंड एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स फॉर इट्स योनो एंड योनो लाइट्स एप्स कॉल्ड सिम बाइंडिंग टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम वेरियस डिजिटल फ्रॉड्स। तो भारत के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है। तो SBI ने शुरू की है, और क्यों शुरू की है, तो SBI ने जो अपने कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग जो है वो सुविधा शुरू की है। अंडर दिस न्यू सिम बाइंडिंग फीचर्स योनो एंड योनो लाइट एप्स विल वर्क ओनली ऑन दोज डिवाइसेस विच हैव सिम ऑफ मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड विद द बैंक। तो नए सिम बाइंडिंग फीचर्स के तहत योनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड हैं। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो सुविधा है उसके अंतर्गत, वो ये है कि जो नए सिम बाइंडिंग फीचर्स के तहत योनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे, याद रखिएगा उन्हीं डिवाइस पर ये काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है। जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, जो सिम रजिस्टर्ड है जिस नंबर की, उन्हीं पर ये काम करेगा योनो और योनो लाइट। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। तो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कस्टमर्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ विद द डिवाइस विच हैज इट्स द सिम दैट ऑफ द रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि ग्राहकों को उस डिवाइस के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा और जिसमें रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर का सिम है। बात कर लेते हैं SBI की। तो SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और फाउंडेड इन 1st of July 1955। SBI founded in 1st July 1955 और LIC के कब था, 1st of September। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, SBI है 1st July, LIC है 1st September। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद द साइन एंड इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल साइन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कि क्या पूछा गया है, कि किस बैंक ने IIT बॉम्बे की एक पहल जो है उसका नाम क्या है, साइन, उसके साथ एक समझौता MOU पर में साइन किया है, एंटर किया है, किसने किया है, किस बैंक ने किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। तो इंडियन बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद द सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई रिपीट, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन का फुल फॉर्म है। An initiative of the IIT Bombay for extending exclusive credit facilities to startups and MSMEs. तो इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और MSMEs को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किया है, जो IIT बॉम्बे की एक पहल है। तो इम्पोर्टेंट है किस बैंक ने किया है, किसके साथ किया है,
तो बुक किया है इंडियन बैंक ने और IIT बॉम्बे के साथ किया है। और उस पहल का क्या नाम है? उसका नाम है साइन। और साइन का फुल फॉर्म क्या हो जा रहा है? साइन का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद कर लेना है। और जब भी मैं आपको कोई पिक्चर देती हूँ, मोस्टली सारे तो याद नहीं, मोस्टली मैं सभी पिक्चर्स में आपको टैगलाइन भी देती हूँ। तो इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या हो जाएगा, आप पिक्चर देख के भी याद कर सकते हैं, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द बैंक विल एक्सटेंड लोन्स ऑफ अप टू 50 करोड़ रुपीस टू दीज स्टार्टअप्स फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एज द नेम गोज, दिस इनिशिएटिव विच इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ बैंक एंड IIT बॉम्बे विल बी द स्प्रिंग बोर्ड फॉर स्टार्टअप्स टू रियलाइज देयर एम्बिशंस। तो बैंक ने स्टार्टअप को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकता यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या मशीनरी और परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पहल जो बैंक और IIT बॉम्बे दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है। स्टार्टअप के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड भी होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जरूर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई और इंडियन बैंक के CEO कौन है? पद्मजा चुंदरू। और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड इन 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS हैज बीन ऑनर्ड एज द ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय डैश इन इट्स 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स। तो DBS को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड्स में डैश द्वारा डिजिटल बैंकिंग मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो डैश में क्या आपको फिल करना है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डैश में सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर। राइट आंसर इज फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर। तो DBS हैज बीन ऑनर्ड एज द ग्लोबल विनर फॉर द मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन द बैंकर इन इट्स 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स। तो हिंदी में समझते हैं कि फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन द बैंकर द्वारा अपने 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स में DBS बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता ग्लोबल विनर के रूप में सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो वित्तीय टाइम्स प्रकाशन यानी कि फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन द बैंकर के द्वारा अपने 2021 के जो इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स में DBS बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए ग्लोबल विनर के रूप में सम्मानित किया गया है। यानी कि DBS हैज ऑनर्ड एज द ग्लोबल विनर ऑफ मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन द बैंकर इन 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स इज द राइट आंसर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन द बैंकर। नेक्स्ट पॉइंट है, द बैंक वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द एशिया पैसिफिक विनर एंड वोन द साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी फॉर इट्स सिक्योर एक्सेस एंड रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन। तो जो बैंक को अपने एशिया पैसिफिक विनर के रूप में भी मान्यता दी गई थी और इसके सुरक्षित पहुंच यानी कि सिक्योर एक्सेस और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन के लिए साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में जीता था। DBS बैंक की बात कर लेते हैं। तो DBS बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर। CEO कौन है DBS बैंक के? CEO है पीयूष गुप्ता। इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो DBS बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर है, DBS बैंक के CEO है पीयूष गुप्ता। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये आप लोग जरूर पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिसेंटली इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹50.35 लाख ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? वो लगाया है जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। क्या है? जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। RBI has imposed a penalty of ₹50.35 lakh on Jan Lakshmi Cooperative Bank, Nashik for non-compliance with certain regulatory requirements. तो RBI ने Jan Lakshmi सहकारी बैंक नासिक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन ना करने पर
50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने अमाउंट है ये? 50.3 लाख रुपीज। तो कंटेंट्स भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट में मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये पहले तो लक्ष्मी, जो जनलक्ष्मी सहकारी बैंक है या लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक है, ये कहाँ का है? नासिक का। और अमाउंट पूछा जाए कितने का जुर्माना लगाया है, तो लगाया है 50.35 लाख रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग जरूर पढ़िए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नोन एज दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना है, ये ओवरड्राफ्ट सुविधा है, ये किस बैंक के द्वारा शुरू की जाएगी? तो किस बैंक के द्वारा शुरू की जाएगी? ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू की जाएगी। HDFC बैंक सही आंसर हो जाएगा। तो HDFC बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्मॉल रिटेलर्स इन पार्टनरशिप विद CSCPSPB known as Dukandar Overdraft Scheme. The scheme by HDFC Bank is aimed at helping shopkeepers and merchants ease their cash crunch. तो HDFC Bank जो है, HDFC Bank ने CSCPSPB के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की, जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के रूप में जाना जाता है। और HDFC बैंक की इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? जो शॉपकीपर्स हैं और मर्चेंट्स हैं, उनको नकदी यानी कैश की कमी को दूर करने में मदद करना है। यानी इंग्लिश में बोले, मीनिंग समझे इसका, तो हो जाएगा, द स्कीम बाय HDFC बैंक इज एम्ड एट हेल्पिंग शॉपकीपर्स And merchants ease their cash crunch. ठीक है? Next important point है, according to the bank, retailers operating for a minimum of 3 years are eligible for the scheme by providing 6 months bank statement from any bank. तो बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना के लिए पात्र हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे प्रोवाइड कराए वीडियोस और कंटेंट काफी हेल्पफुल लगते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियोस के बारे में और मेरे चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके और लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर करके एग्जाम्स में अच्छा गेन कर पाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD CEO है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। किसका? HDFC बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक हैव टेकन स्टेक्स इन द ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में कितने बैंकों ने हिस्सेदारी ली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो ली है 3 बैंकों ने। 3 of India's biggest प्राइवेट लेंडर्स ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक हैव टेकन स्टेक्स इन द ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड। HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज ईच फॉर देयर शेयर्स। तो 3 बैंक ने जो लिया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो कौन कौन से हैं? ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है। जैसे इस पिक्चर में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। ठीक है, तो भारत के 3 सबसे बड़े ऋणदाताओं, जो निजी ऋणदाता बैंक है, यानी कि बिगेस्ट प्राइवेट लैंडर्स, वो है ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी ली है। और HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रत्येक शेयर के लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट भी किया है। तो याद रखिएगा, कौन से 3 बैंकों ने इसमें ब्लॉकचेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म में हिस्सेदारी ली है, वो ली है ICICI, एक्सिस और HDFC बैंक ने। 3 बैंक है।
अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आईसीआईसी बैंक ऑल्सो सेड इट हैज सब्सक्राइब्ड ₹49,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ऑफ ईच आईबीबीआईसी constituting 5.44% of the issued and paid up share capital. It paid 4.9 lakh for the shares. तो ICICI Bank ने यह भी कहा है कि उसने IBBIC के अंकित मूल्य ₹10 के 49,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर की सदस्यता ली है और जो जारी और चुकता शेयर पूंजी का 5.44% है. इसने शेयरों के लिए 4.9 लाख का भुगतान भी किया है. About 15 banks have come together to set up IBBIC with an aim to expand the use of blockchain application in financial sector transactions. तो जो वित्तीय क्षेत्र के लेन-देन में blockchain अनुप्रयोगों के उपयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से लगभग 15 बैंक IBBIC की स्थापना के लिए एक साथ आए हैं. Next question है, Who has been appointed as the new CEO of Bharat BillPay? तो Bharat BillPay के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है नुपुर चतुर्वेदी को. नुपुर चतुर्वेदी को Bharat BillPay के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है. Bharat Bill Payment System has appointed former PayU and Airtel Payments Bank executive Nupur Chaturvedi as the new CEO. Chief Executive Officer और Nupur Chaturvedi prior to this appointment was the country head for a small and medium business at PayU. तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने PayU और Airtel Payments Bank के पूर्व कार्यकारी Nupur Chaturvedi को अपना नया CEO नियुक्त किया है और Nupur Chaturvedi जो है वो इस नियुक्ति से पहले PayU में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए country head थी. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है Nupur Chaturvedi. In a career spanning nearly two decades, he worked with Airtel Payments Bank, Samsung, ING, West Bank and Citibank in various senior roles. तो लगभग दो दशक के करियर में उन्होंने Airtel Payments Bank, Samsung, ING, West Bank और Citibank के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है. किसने? Nupur Chaturvedi ने. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली. तो निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो वो कौन से बैंक का किया है? क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. तो RBI has cancelled the license of Madgaon Urban Cooperative Bank Limited, Margao. जिसका सही आंसर हो जाएगा मडगांव और गोवा. एज द बैंक विद इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी अनेबल टू पे इट्स प्रेजेंट डिपॉजिटर्स इन फुल. तो RBI ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मडगांव गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ था. और RBI के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द RBI, एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक, अबाउट 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स विल रिसीव फुल अमाउंट्स ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द DICGC. व्हाट इज द फुल फॉर्म DICGC? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. तो RBI के अनुसार बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC से उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी. और बैंक ने 29 जुलाई 2021 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है. किस बैंक ने? मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीस मॉनेटरी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड बाय RBI ऑन एक्सिस बैंक. तो RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो कितने करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पे जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है. वो लगाया है कितना है? 5 करोड़ रुपए का. ठीक है, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. द RBI हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़ ऑन प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक.
तो आरबीआई ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना मॉनेटरी पेनल्टी जो कहते हैं इंग्लिश में उसे लगाया है। द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन द आरबीआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47A रीड विद द सेक्शन 46(4) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 के साथ पठित धारा के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। कितने का? 5 करोड़ रुपए का। किस पर? एक्सिस बैंक पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने दिए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। द आरबीआई हैज हैड कंडक्टेड सेचुरेटरी फैक्चर्स ऑफ सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन of Axis Bank with reference to its financial position of as of March 31st 2017, March 31st 2018 and March 31st 2019। तो आरबीआई ने 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक्सिस बैंक के इंस्पेक्शंस फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन आईएससी के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। बात करें एक्सिस बैंक की तो हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड 1993। एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। किसके? एक्सिस बैंक के। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ यूटीए ऑफ लद्दाख गेट्स आरबीआई नोट टू एक्वायर डेथ स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में डैश यानी कि कितने परसेंट की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो किसकी मंजूरी मिली है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यूटीएस जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने परसेंट हिस्सेदारी हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है? तो वो है 8.23। 8.23 is the right answer. तो गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख गेट्स आरबीआई नोट टू एक्वायर 8.23% स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है। द आरबीआई हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू एक्वायर 8.23% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अक्टूबर 31st 2019। तो आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23% अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने की तारीख को अपनी मंजूरी दे दी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनको वीडियो पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे पॉइंट जरूर पढ़ने हैं। क्वेश्चन इनसे जरूर आते हैं और आएंगे भी आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के सीईओ कौन है? आर के छिब्बर और फाउंडेड इन 1st of October 1938। हेडक्वार्टर है इसका श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेंटली वर्किंग ऑन ए फेस्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर इट्स ओन डिजिटल करेंसी नेम्ड सीबीडीसी। What is the full form of CBDC? तो RBI वर्तमान में CBDC नामक अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। CBDC का पूर्ण रूप क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। द आरबीआई इज करेंटली वर्किंग ऑन ए फेज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर इट्स ओन डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड विल लॉन्च इन इट इन होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट सून। इंडिया इज ऑलरेडी अ लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स बट कैश रिमेंस डोमिनेंट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस। तो आरबीआई वर्तमान में अपनी डिजिटल करेंसी सेंट्रल डिजिटल करेंसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इसे जल्द ही थोक और खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करेगा।
भारत पहले से ही डिजिटल भुगतान में अग्रणी है, लेकिन छोटे मूल्य के लेन देन पर के लिए नकद जो है वो प्रमुख है। तो सीबीडीसी की बात हुई है यहाँ पे, सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई इज करेंटली एग्जामिनिंग द स्कोप ऑफ सीबीडीसीज एंड द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, द वैलिडेशन मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ द डिग्री ऑफ एनोमिटी एक्सेट्रा। तो आरबीआई ने वर्तमान में सीबीडीसी के दायरे में अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और वैलिडेशन मैकेनिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर और एनिमिटी की डिग्री ऑफ एनिमिटी आदि की जांच कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं मैंने आपको चूज करके, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जरूर पढ़िए, इनसे क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश जिनमें जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो डिजिटल करेंसी आर गेनिंग मोर एंड मोर ट्रैक्शन बाय द डे एंड देयर कंट्रीज दैट हैव लॉन्च्ड और आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग डिजिटल करेंसीज इंक्लूडिंग इक्वाडो, ट्यूनिशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रशिया, जापान, वेनेजुएला और इसराइल। तो डिजिटल मुद्राएं दिन ब दिन अधिक से अधिक आकर्षण प्राप्त कर रही हैं। ऐसे देश हैं जिन्होंने एक्वाडो, ट्यूनिशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला, इसराइल सहित डिजिटल मुद्राओं को लॉन्च किया है, क्या लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC CSN partner to launch two variants of co-branded RuPay credit cards, LIC CSL Lumine Platinum credit card and LIC CSL Acclade with which of the following banks? तो LIC CSL ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड LIC CSL एल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और LIC CSL एक्लेट के दो वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि LIC CSL ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड जो LIC CSL एल्यूमिन और LIC CSL एक्लेट दो वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो LIC CSL ने की है, किस बैंक के साथ की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। दो क्रेडिट कार्ड हैं, कौन कौन से हैं, ल्यूमिन और एक्लेट, ये दो वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किस बैंक के साथ की है, वो की है LIC ने किसके साथ की है, IDBI बैंक के साथ की है। IDBI बैंक इज द राइट आंसर। तो LIC Cards Services Limited has partnered with IDBI Bank to launch Lumine Platinum Credit Card and Acclade Select Credit Card on the RuPay platform. तो ये दो है, Lumine और Acclade, ठीक है, ये LIC ने की है IDBI Bank के साथ। Other important point है, the Lumine and Acclade card holders will have a credit limit that suits their lifestyle. The card holders will earn 3 delight points on every spend of rupees 100 via the Lumine cards and 4 points on the Acclade card. तो Lumine और Acclade card धारकों के पास एक क्रेडिट सीमा होगी जो उनकी जीवन शैली के अनुकूल होगी और कार्ड धारक Lumine card के माध्यम से 100 रुपए के प्रत्येक खर्च पर 3 delight अंक अर्जित करेंगे और Acclade card पर 4 अंक जो है वो अर्जित कर पाएंगे। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो दिए हैं आपको, आप इनको वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 में माल और सेवा कर से कितना राजस्व एकत्रित किया गया। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुलाई 2021 में माल और सेवा कर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कितना राजस्व एकत्र किया गया था। सही आंसर कितना हो जाएगा, रुपीज 1.16 लाख करोड़। तो जुलाई की बात हो रही है, जुलाई में किया गया है 1.16 लाख करोड़, यानी कि जीएसटी कलेक्शन फॉर जुलाई 2021 वा 1.16 लाख करोड़, 33% मोर देन द corresponding period of last year. GST collections in July 2020 has stood at 87,422 crore, while sequentially they had stood at 92,849 crores in June this year. तो जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह रुपीज 1.16 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33% अधिक था। जुलाई 2020 में जीएसटी संग्रह
₹87,422 करोड़ था, जबकि क्रमिक रूप से वे इस वर्ष जून में ₹92,849 करोड़ था। किसकी बात हो रही है? जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो जुलाई का क्या पूछा गया था? जुलाई का सही आंसर हो जाएगा 1.16 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे इतने ही पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट है, और जल्दी मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊंगी। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं बैंक के, उन एग्जाम्स के लिए। और आप वीडियो में के क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट को जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं और 100% क्वेश्चन कवर हो सकते हैं अगर आपने पूरा कंटेंट ढंग से पढ़ा है तो। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।